ਜਿਤ ਕਰ ਪਾਇਆ ਪੰਚ ਦੂਤ ਦੁੱਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਜਿਨ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖ ਹੋਆ ਸਤਿ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ ਸੁਣਤੇ ਸੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਸਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਇਆ ਅਰਦਾਸ ਮਾਰੀ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੋਈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਇ ਜਿਸ ਡਿੱਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਕਰ ਨੌਣ ਦਿਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਏ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾੜ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਅੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੁਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਧਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚਿਤਿਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆ ਦੀਪ ਤਿਕ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ
खालसा जी के बोल बाले बोल जी आप जी दे गुरसिखां नूं सिखी दान रहत दान केस दान विवेक दान भरोसा दान वसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां चंडे पुंगे जुगो जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी आप जी दे गुरसिखां दा मन नीवा मत उची मत दा राखा आप अकाल पुरख पिता वाहेगुरु अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दार अते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणियां दे माण नेताणियां दे ताण नेओटियां दी ओट ने आसरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जीओ आप जी दे पवित्र चरणां कमलां च अरदास बेनती है जीओ आप जी दी कृपा दया मेहर सदका आप जी दे बच्चियां ने आप जी दी निघी गोद च बैठ के संगती रूप विच आप जी दी पवित्र बाणी दे जाप जपे हन गुरु पातशाह जीओ आप जी दे बच्चियां तों आप जी दी पवित्र बाणी दे जाप जपदियां अगे पिछे बोलदियां होईयां बेअंत बेअंत प्रकारी भुलां दी मुआफी बख्शिश करो जी अगे तों चेता सुधार समत बख्शनी जी गैर हजूरी दी मुआफी बख्शिश करनी कृपा करो मेहर करो दया करो जी अपने बच्चियां नूं गुरबाणी अनुसार अंदरों बाहरों निर्मल जीवन बख्शिश करो जी रस्ते पेंडे सहाई होना जी दर आईयां संगतां दी हाजरी दर प्रवान करनी कदम कदम लेखे लाउणा गुरसिखी जीवन बख्शना अपने चरणां नाल जोड़ना महाराज आप जी दे सेवक परिवार आप दे चरणां च अरदासां बेनतियां करदे न महाराज दो सहज पाठां दी आरंभता लई अरदास बेनती एक बच्चे दे जन्म दिन दी अरदास परिवार वालों आप जी नूं सुंदर रमाला साहिब भेंट कीते गए हन महाराज आप जी ने अंगीकार कीते हन महाराज परिवार दीआं शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूर्ण संपूर्ण करनियां जिहड़े इलाज बच्चे दी तंदुरुस्ती लई मनोकामना दी पूर्ती लई प्रीख्या विचों सफलता लई संयोगां दी प्राप्ति लई कला कलेश दी निरवृत्ति लई शुकराने दी अरदास देश विदेश विच परिवारां दी सुख शांति तंदुरुस्ती चढ़दी कला लई अरदासां बेनतियां हन महाराज कृपा करनी मेहर करनी महाराज सारे सिख परिवारां दीआं शुभ भावनावां गुरमत अनुसार पूर्ण संपूर्ण करनियां गुरसिखी जीवन बख्शना अपने चरणां नाल जोड़ना जीओ सिख परिवारां वल्लों गुर संगतां वल्लों आप जी दे हजूर पवित्र कड़ा प्रशादियां दे गां हाजर हन जी दर प्रवान होण जी प्रवान होए प्रशाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शिश करो जी जो जो शके आप जी दा सतनाम वाहिगुरु नाम जपे गुरु पातशाह जीओ इस वक्त अपने हुक्म बख्शो जी हुक्म ते चलण दी अपने बच्चियां नूं सोझी बख्शिश करो जी सही गुरसिख संत प्यारे मिलियो जिन्हां मिलिया आप जी दा सतनाम वाहिगुरु नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आ गया भैया काल की तबे चलायो पंथ गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गोरा की दे जो प्रभु को मिल बोच है आज करेगा कालसा अभी रहे न कोई और होए सब मिलेंगे बचे चरण जो होए वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तरे पार जो शरदा कर से मदे गुर पार अवतार नहार जो शरदा कर से मदे गुर पार अवतार बोले गवाजा
गुर शाह पाया वरदाना हर किए बहुगुण साझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर गुर धार्यो मन माजा धर्म राय कर कागद फारे जन नानक लेखा समझा जिनकाओ कृपा करी जग जीवन हर गुर धार्यो मन माजा धर्म राय कर कागद फारे जन नानक लेखा समझा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु 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 धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संग जीओ अकाल पुरख की कृपा मेहर सदका अज पिंड चगुवाल उत्थे 66 प्राणियों ने खंडे की पौल छकी है बोले सोनिहार वाहिगुरु 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 आप जी इस समय नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी दे जीवन वृतांत विचों गुर साखियां श्रवण कर रहे हो जी। अज तो पहले आपने दो साथियां श्रवण कीतियां सन खटकर रटन अते कुरुक्षेत्र रटन। अज आप जी श्रवण करो जी मुगल हुकूमत नू गुरु जी तो खतरा भासना वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। श्री गुरु तेग बहादुर जी का मालवा देश का रटन बड़ा सफल रहा जिथे जिथे भी आपने चरण पाए आपके उपदेशों ने लोगों में नवी जिंद जान लै आंदी हुकूमत के जबर अगे अपने आप नूं बेवास्ते लाचार समझण वाले लोगों अंदर हौली हौली रोस जागण लगा जबर का टाकरा करन दी भावना उपजण लगी स्वै मान पैदा होया स्वै विश्वास जागया। ये कोई छोटी जी गल नहीं सी गुरु जी ने लोगों का दुख मंडाया उन्हां दियां औकड़ां दूर कीतियां खास करके पानी की औकड़ इस नाल गुरु जी लोगों लई मसीहा बन गए उन्हां वास्ते श्रद्धा ते प्रेम ठाठा मार उठे सिखी धारण करन दी एक जबरदस्त लहर चल निकली। सुभाविक ही सी कि इस लहर तों मुगल हुकूमत नूं खतरा महसूस होंदा। श्री हरगोबिंद साहिब जी दे समें तों ही सिख सरकार दीआं नज़रां विच खटकदे आ रहे सन हुण जदों उन्हां दी गिणती तेजी गति नाल वधण लगी तां सरकार घबरा उठी। औरंगजेब दखण दीआं बगावतां तों पहले ही बुखलाया होया सी उसने गुरु जी की गिरफ्तारी का हुक्म चाढ़ दिता। गुरु जी नूं गिरफ्तार कर लिया गया। मिर्जा राजा जय सिंह का परिवार गुरु घर का श्रद्धालु बन गया सी। इस समय राजा जय सिंह का पुत्र राजा राम सिंह औरंगजेब का सेनापति ते सलाहकार सी। उसने बादशाह नूं समझाया कि गुरु तेग बहादुर जी तां पूरे दरवेश हन उन्हां दा घर खेतर नरोल धार्मिक है इस कार्य विच उह सदा अमन दे चाहवान रहे हन राज रौले दे उह पक्षपाती नहीं इस लई हुकूमत नूं उन्हां तों कोई खतरा नहीं हो सकता। राजा राम सिंह ने
गुरु जी वालों जिम्मेवारी लैके मामला खत्म करा दिता। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। मलूक दास औरंगजेब नाल निबड़ के श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पूर्व देश का रटन आरंभ किया। मेरी पीढ़ी के मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सिखा विच शिकार खेडन की रीत तोरी सी। इस अनुसार गुरु तेग बहादुर जी भी रस्ते विच जंगली दरिंदियां का शिकार खेडते रहे। रटन करदे आप कड़ा माणकपुर पुजे। उत्थे एक उगा वैष्णव साधु रहिंदा सी जिसका नाम मलूकदास सी। लोकां विच उसकी चंगी मानता सी। मलूकदास ने गुरु जी का जस सुनिया तां उसके मन विच दर्शनां दी इच्छा पैदा हुई। पर जदों उसनूं पता लगा कि गुरु जी शिकार खेडदे हन तां उसने दर्शनां दा इरादा छड्ड दिता, क्यों जो वह वैष्णव सी अते वैष्णव जीवां दी हत्या ते पक्षिया पाप समझदे हन। उसने लोकां नूं भी गुरु जी दे दर्शनां तों रोकिया ते कहा, इह काहदे गुरु हन जिहड़े जीवां दी हत्या करदे हन। गुरु जी ने मलूकदास दे शंके दूर करन लई उसनूं बुला भेजिया। जदों उसने आके गुरु जी दे दर्शन कीते ते बचन सुने तां उसदा अंदरला सारा खिड़ गया। जीव हत्या दे बारे उसदे सारे भरम दूर हो गए ते शंके निवृत्त हो गए। वह गुरु जी का सिख बनिया। गुरु जी ने उसनूं उस इलाके का मुखी प्रचार थापिया। मलूकदास ने सिखी का प्रचार करन दा वड्डा कार्ज कीता। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रबंधकी वीरां वल्लों बेनती कीती जाती है कि गुरद्वारा साहब विखे देग तैयार कीती जाती है रैत मर्यादा अनुसार। सो समोसिक संगतां नूं बेनती है कि घर तों देग तैयार करन दी बजाए गुरद्वारा साहब विखे जिहड़ी देग तैयार हुंदी है उहदे विच इच्छा अनुसार अपनी सेवा पा ली जाया करे जी। बाकी होरनां नूं दस्सिया जावे। वाहिगुरु वाहिगुरु। हुण जो आप जी ने धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पावन पवित्र अंग 697 तो हुक्मनामा सरवण किया है जी। रहाओ दीआं पंक्तियां तो संखेप विच व्याख्या सुनी करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी जय श्री महला चौथा। मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन जप राम नाम हर माचा जप राम नाम हर माचा वाहिगुरु वाहिगुरु। मेरे मन जप राम नाम हर माजा। माजा का भाव है जो अंदर ही वस रहा है। ये मेरे मन उस परमात्मा का नाम जपया कर जो तेरे अंदर ही वस रहा है। हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी हर हर कृपाल कृपा प्रभ तारी ज्ञान दियो मन समझ
गुर ज्ञान दियो मन समझा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हर हर कृपाल कृपा प्रभु धारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। हे भाई कृपाल प्रभु ने जिस मनुख उत्ते कृपा की उसनु गुरु ने आत्मिक जीवन की सूझ बख्शी, उसका मन नाम जपण की कदर समझ गया। जिन हर हृदय नाम न बसो, जिन हर हृदय नाम न बसो, मात की जय हर बांजा, तिन मात की जय हर बांजा, मात की जय हर बांजा, तिन मात की जय हर बांजा। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जिन हर हृदय नाम ना बस्यो, तिन मात की जय हर बांझा। बांझा का भाव है जिसके घर संतान पैदा ना हो सके। ये भाई जिन्हां मनुखां दे हिरदे विच परमात्मा का नाम नहीं वसदा, उन्हां दी मां नूं हरी बांझ ही कर दिया करे तां चंगा है, क्योंकि तिन सुनी दे पेरे बिन नावे, सुन्नी दे पेरे बिन नावे, सुन्नी दे पेरे बिन नावे। ओए खप खप मुए करांजा, ओए खप खप मुए करांजा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। तिन सुनी देख रे बिन नावे, ओए खप खप मुए करांजा। करांजा का भाव है क्रुझ क्रुझ के उन्हां दा शरीर हरी नाम तो सुन्या रहिंदा है, वह नाम तो मांझे ही परे करदे हन, अते वह क्रुझ क्रुझ के खुआर हो के आत्मक मौत सहेड़दे रहिंदे हन। अगलियां पंक्तियां आप जी ने विचार लईआं हन। मेरे मन जप राम नाम हर माझा, ये मेरे मन उस परमात्मा का नाम जपया कर जो तेरे अंदर ही वस रहा है। हर हर कृपाल कृपा प्रभु धारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। हे भाई कृपाल प्रभु ने जिस मनुख उत्ते कृपा की उसनू गुरु ने आत्मिक जीवन की सूझ बख्शी, उसका मन नाम जपण की कदर समझ गया। रहा हर कीरत कल युग पद उत्तम, हर कीरत कल युग पद उत्तम, सतगुर माजा, हर पाए सतगुर माजा, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। हर कीरत भाव सिफत सलाह
हर कीरत कर।